विवेक अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विवेक सर, 30 साल का एक लंबा वक्त जो था वो गुजरा, लेकिन उसके बाद आपने कम से कम एक हिम्मत की कि जो कश्मीरी कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित समाज, जो कि कश्मीर से उन्हें विस्थापित होना पड़ा था, उनके ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए आपको कहाँ से आइडिया आपको ये आया और क्या सोच आपकी थी, क्या दर्शाना चाहते थे आप इस फिल्म को बनाकर? नहीं, जो ये जेनोसाइड हुआ था 32 साल पहले 1990 में इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने जो किया था, ये फिल्म दुनिया को बताना चाहती है कि किस तरह से जब एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल लोग जब टेररिज्म क्रिएट करते हैं तो उस समाज का, उस सोसाइटी का क्या नुकसान होता है और किस तरह से मानवता का वध होता है, इस फिल्म के जरिए मैंने बताने की कोशिश की। सर, आपको काफ़ी आलोचनाएं जो थी वो भी सहनी पड़ी इसको लेकर, जब आपने सच को सामने लाया तो आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आलोचना कर रहे हैं? नहीं, वो आलोचना नहीं है, जान की धमकी, मारने की धमकियाँ, आपके बच्चे बीवी के बारे में धमकियाँ, आपके ऊपर लीगल केसेस करना, ये आलोचना नहीं है, ये सीधा आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ के ऊपर अटैक है। आप जम्मू मंदिरों के शहर में खड़े हैं इस वक्त सर, तो क्या आने वाले समय में ये संभव है कि जम्मू के ऊपर भी कोई फिल्म बन सकती है, जम्मू जिस तरह से आप बार बार डोगरा कम्युनिटी की बात कर रहे थे उसको लेकर? मैं डोगरा कम्युनिटी के शौर्य, उनके वीर को लेकर बड़ा इंप्रेस्ड हूँ और उसके बारे में काफ़ी पढ़ता हूँ। अगर मुझे टाइम मिला अगली फिल्म के बाद तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उस पर काम करूँ। सवाल फिल्म को लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, फिल्म ही अपने आप में अपील है, मैं कौन होता हूँ अपील करने वाला। ये थे विवेक अग्निहोत्री जी जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और फिल्म को लेकर इनका साफ तौर से यही कहना है कि लोग फिल्म को देखें और इस फिल्म को बनाने के बाद, जो दी कश्मीर लाइव फिल्म को बनाने के बाद, इन्हें जान से मारने की धमकी भी जो है वो मिल रही है, लेकिन ये धमकियों से डरने वाले नहीं है, इनका कहना है कि इन्होंने सच को सामने लाया है। रवि शर्मा, लाइव जम्मू।